तो इधर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नीति ब्लॉग। अभी मैं सो कर उठी हूँ, मेरी नींद ही नहीं खुली सुबह में स्कूल भेजने के लिए, और सब कोई थके हुए थे, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। अभी भी सब कोई सोए हुए हैं, मैं बस जग गई हूँ चाय पीने के लिए, और आज स्कूल नहीं गई। वैसे भी उसके वैकेशन का कुछ होमवर्क बचा हुआ था, जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाह रही थी, तो कल से वो रेगुलर स्कूल जाएगी, आज नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक नया फ़ोन ले लूँ, देखिए कब तक सक्सेस हो पाता है। तब तक आप लोग ऐसे ही मुझे देखते रहिए, काम चलाते रहिए, और क्या बोलूँ, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो आपको देखने में भी नहीं अच्छा लगता है, और मुझे बनाने में भी। ये तो कैमरा देखता नहीं है, इस पर लपक जाता है, इसमें क्या करूँ मैं। चलो हाय गाइस बोलो फिर से, वंस अगेन हाय गाइस, हाउ आर यू। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं ना मेरा वीडियो, वो सोचते होंगे कि मैं इतनी बड़ी गृहिणी कैसे हो गई। जाएगी स्कूल, किसी एंगल से लगता है दिन के बज रहे हैं 10 और ये सोई हुई है। ये जाएंगी कल से स्कूल 6 बजे। ए उठो उठो, ये तो उठने से रही, ये 11 बजे के पहले उठती नहीं है, भगवान जाने कैसे इसको इतना नींद आता है इतनी गर्मी में। और यहाँ तो भैया शराब पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका, सारी जगह जब बरस जाते हैं ना तभी यहाँ होता है। देखिए कितने कड़ाके की धूप निकली हुई है। वैसे मेरा पिक्चर क्वालिटी फॉरगेट इट, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लूँगी आज। तो अभी बज रहा है 10, अभी मैं अपना फ्रिज साफ़ करूँगी, आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्रिज का सारा सामान ऊपर निकाल के रखी हुई हूँ, फ्रिज को कर दी हूँ बंद, और इसे अभी करना है साफ़। वैसे उतना भी गंदा नहीं रहता, लेकिन मैं हर संडे को साफ़ कर देती हूँ, तो इस संडे को फुर्सत नहीं मिल पाया इधर उधर, इस वजह से मैंने एक ही। और वेजिटेबल बास्केट से सारे वेजिटेबल्स को सेपरेट करके और धुलकर सुखा कर तभी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो जितना सब्जी आया था मैं इसे रख ली, अभी खाना बन ही रहा है, सब्जी रखती हूँ, आम रखती हूँ, सबको धुल धुल के तब फ्रिज में रखूँगी। तत्काल में पहले फ्रिज को साफ़ करूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। और ये मेरा साथ देता है बाबू, से हाय टू ऑल, हाय बोलो। हाँ ये ले जा रहा है कि दीदी को उठाओ। मेरे घर की हालत देखिए, सुबह में कोई आ जाएगा तो बैठने के लिए भी जगह नहीं रहेगी मेरे पास। हाँ बैठ जाए, काम नहीं करें, हाँ बैठे और काम कौन करेगा, काम बाबू करेगा। हम बैठ जाएंगे, बैठ वहाँ बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। शरवन बेटा चाहता है मैं कभी काम ना करूँ, और वो हमेशा मुझे, जब भी मैं काम करते रहती हूँ तो वो ला कर मुझे बैठा देता है, कहता है मम्मी बैठो काम मत करो। अरे मेरा बच्चा इधर हो। चलिए मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दूँ, काम कर रही थी तो मुझे बुला के लाया खेलने के लिए। कई दिनों के बाद मेरे बच्चों के बीच में थोड़ा सा प्यार बढ़ा है, दोनों खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ये मेरे लिए ऐतिहासिक पल है, और फिर ये मेरे लिए आज पूरे दिन का समझिए टोकन है कि आज दोनों मिलके मेरा वार्क लगाने वाले हैं। सच बता रही हूँ, आप पूरे दिन देखना।
आज मेरे बच्चे पगलाए हैं मेरे ऊपर, सबको मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। अभी सोकर उठी हूँ और ये वो कर रहा है मुझे फिर से परेशान। क्या कर रहे हो हटू? पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है यहाँ पे, थोड़ी भी बारिश नहीं हो रही है, गर्मी से हो गई है हालत पूरी ख़राब। तो अब मेरा मॉप भी टूट गया है, इन लोग का कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, पूरी और सब्जी है उसे ये लोग खा लेंगे और नंदू खा लेगा सॉस के साथ। वैसे वो तो कुछ खाता है नहीं, उसकी तो टेंशन है नहीं, बस ये महारानी का टेंशन है। तो चलिए पूरी बना के फिर इसका होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, रोटी को बना के रख दी हूँ और बर्तन धुलना है, बर्तन धुल दूँगी, प्याज काट के रख दूँगी, मसाला तैयार करके रख दूँगी और उसके बाद से मैं अपने हस्बैंड का वेट करूँगी क्योंकि उसके बाद से मुझे अपनी बेटी का होमवर्क कराना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल स्कूल नहीं गई तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी कि मैं अपने सोने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। दूसरी बात, मैं इस वक्त इसलिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ ना क्योंकि रात को होती है बहुत गर्मी और फिर मुझे एडिटिंग करते अपलोड करने में हो जाता है बहुत टाइम, जिस वजह से कितने लोग मुझे देख नहीं पाते हैं और सुबह में उनकी थोड़ी सी बिजी थोड़ी रहती है लाइफ तो वो लोग वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि रात को 9 से 10 के बीच में, जैसा मेरा भाई विवेक बताया था कि 9 से 10 के बीच में दीदी तुम डालो तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो इस वजह से मैं उसी लालच में थोड़ा सा 9 से 10 के बीच में डालने की कोशिश करूँगी। तीसरी बात ये कि मैं आज कुछ तो कुछ करूँगी कि मेरा जो ये कैमरा है वो ठीक हो जाए, कि आप लोग को अच्छा लगे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और थोड़ी सी कुछ प्लानिंग चल रही है जिस वजह से पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। वरना टिटू टाटू तो किसी और चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं, इस वजह से हम लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं एक बार बोलूँ अपने हस्बैंड को तो वो मेरा हर चीज़ पूरा कर देते हैं, लेकिन इस बार मुझे समझना पड़ेगा उनकी मजबूरी, नहीं तो मैं दूसरा फ़ोन ले लेती। उन्होंने मुझे समझाया, इस वजह से आप ही समझ जाइए कुछ दिनों के लिए। चलिए अब मैं हाथ धो लेती हूँ, प्याज खा लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, रूम ठीक करके झाड़ू लगा के प्रॉपर गृहिणी का काम करके मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरे घर आए हैं बच्चे खेलने के लिए, आते हैं वीनू आए हैं तो मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ अगेन ब्रेड पिज्ज़ा, क्योंकि वीनू को जब मैं खिलाई थी तो उसे बहुत पसंद आया था और ये सिंपल भी है, तुरंत बन भी जाता है। तो मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा, बच्चे खाएंगे मस्त हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों का हो गया है नाश्ता तैयार। कहाँ गए सब? वीनू भाई साहब, इन लोगों की बदमाशी बहुत हाई लेवल की है। ये लो तुम्हारा 2, हिमानी का 2, नंदू का 1 वाला। शर्म करो, देखो वीनू क्या बोला है। तो मैं फ़ोन बनवाने का पूरा कोशिश की हूँ लेकिन फ़ोन उतना सक्सेस नहीं हो पाया है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान, वैसे एक बात बता दूँ, मैं जैसे ही अभी खर्चे की बात कह रही थी, मेरे हस्बैंड आज 7,500 रुपये कैश भर के आए हैं, उनका मूड है पूरा ख़राब, लेकिन फिर भी वो मेरी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए फ़ोन का कैमरा बनवाए हैं और उतना भी नहीं सक्सेस हुआ है, लेकिन आप अगर आप थोड़ा सा केयर करेंगे समझेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतना प्रॉब्लम होने वाला है। सबसे ज़्यादा बुरा बात यह है कि मेरा रोज़ सब्सक्राइबर रोज़ कम हो रहा है, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ।
तो देखिए क्या होता है आगे, मैं आगे कर भी पाती हूँ या नहीं। हाँ, मेरे से जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी छोटे छोटे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप टेंशन ना लो, बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं उनके साथ भी ये सब प्रॉब्लम हुआ है, इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, आप भी स्ट्रगल करो। तो मैं पूरा स्ट्रगल करूँगी, मैं बीच में ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूँ। मैंने सोच लिया है कि मुझे हार नहीं मानना है, लाइफ में किसी भी स्टेज पे मैं रहूँगी, कैसी भी प्रॉब्लम में रहूँगी, बट मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मुझे एंगल बहुत चेंज करना पड़ रहा है पिक्चर क्वालिटी के लिए, मैं क्या बोलूँ, मैं उतनी भी तो करोड़पति अरबपति नहीं कि मैं यूँ गई और आईफोन खरीद के चली आई या कोई भी सिंपल फ़ोन भी खरीद के चली आई, जितनी हूँ उतनी हूँ। क्या क्या लेकर आए हो? हाँ, पूरा होम पैक आइसक्रीम का लेकर आए हो क्या बाबू? तो फ्रेंड्स, मेरा बेटा लाया है केसर पिस्ता आइसक्रीम, मेरा बेटा लाया है केसर पिस्ता आइसक्रीम। इसको हम लोग सबके फैमिली पैक है तो फैमिली के साथ मिलकर खाएंगे। ये है 7,500 रुपये धक्का खाने की खुशी। किस खुशी का है? लग रहा है आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। किस खुशी का है? रस जूस। आप बता नहीं रहे हैं, कुछ गोलमाल किए हैं क्या? रिंग लाइट लगा रहे हैं क्लिप। हाँ, एक मिनट बाबू, जरा अपना फेस दिखाना। एक मिनट। ये तो नहीं पता है किस खुशी का है, बता नहीं रहे हैं, जरूर बम फोड़ेंगे कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद। हाँ, लेकिन इस खुशी का है कि 7,500 रुपये बढ़ के आए हैं। तो देखते हैं बताते हैं या नहीं। तो हम लोग किए हैं आज केसर पिस्ता आइसक्रीम पार्टी। पापा के सामने इसका पंख बहुत फटफट करता है। ऐसे दिख रहे जैसे नहीं खाया लेकिन दुनिया देखा है, सारा आइसक्रीम खा गया। ये आ गई टेडी। ये भी रो रहा है और मैं भी रोना स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कौन रोता है। तो आपको कैसा फील हो रहा है 7,500 भर के, कैसा फील हो रहा है? वैसलीन क्यों देंगे भाई? वैसलीन उसे भी कुछ नहीं देंगे, कहे देंगे। बच्चे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मेरी तरफ। नहीं पापा, नहीं पापा, मालूम। ये मेरा शर्मन बेटा है, ये मेरा शर्मन बेटा है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और लाइट के साथ वीडियो अच्छा आ रहा है और वो पापा अपने बेटी के साथ कर रहे थे अच्छा। तो गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और मोबाइल थोड़ा बन गया है इसी लाइट के साथ, मैं रिंग लाइट के साथ आपका वीडियो शूट करूंगी और कल से खुशी मन से, अच्छे अच्छे मन से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगी। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए, मोबाइल एक दिलवा दीजिए, इनको लाइट से बहुत एलर्जी है बाबा। तब तक अपना अपने परिवार का रखिए ढेर सारा ख्याल। मेरी रिंग लाइट काम आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली और मेरे बच्चों की
बच्चों की ही देन है कि आज फ़ोन थोड़ी सी बन गई, मैं बहुत खुश हूँ। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है फिर भी आप मुझे वीडियो में देखिए, सब्सक्राइब करे रहिए, भले वीडियो देखिए या ना देखिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ, अनसब्सक्राइब मत करो यार, दिल दुखता है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आई हूँ यहाँ पे, बच्चे पे ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।